हाय दोस्तों, मैं हूँ एस वी शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा ग्रीन गार्डन चैनल। मेरा चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ वायलेट कलर का एक हिबिस्कस का प्लांट का अपडेट देंगे जो कि ग्राउंड पे लगा हुआ है। दोस्तों, आपके पास अगर कोई भी प्लांट हिबिस्कस का जो ग्राउंड पे लगा हुआ है और उसमें फ्लावरिंग नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आज जो मैं केयर के बारे में बताएंगे उसको फॉलो कीजिएगा तो आपके प्लांट में बहुत ही शानदार फ्लावर आएगा, बहुत ही अच्छा फ्लावर आएगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आएगा और आपका प्लांट जो है वो बहुत ही शानदार होगा, उसका ग्रोथ अच्छा होगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने इसका बर्ड्स दिखाए थे, इससे पहले भी काफ़ी सारा फ्लावर आ चुके हैं, खिल चुके हैं। दोस्तों, मैंने वीडियो नहीं बना पाए थे तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं इसकी जो केयर है, स्पेशल केयर है, गर्मी के टाइम जो स्पेशल केयर किया जाता है उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, मेरा जो प्लांट्स है इसमें काफ़ी सारा फ्लावर खिले हुए हैं। ये एक साल का प्लांट है और लगभग 7 फीट लंबा हो चुके हैं, 7-8 फीट लंबा हो चुके हैं दोस्तों, और इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, और हर टिप्स में आपको बर्ड्स दिखाई देंगे। देखिए कितने सारे बर्ड्स हैं, ऐसा सभी टिप्स में बर्ड्स है, पहले भी बर्ड्स था और अभी भी है। ये देखिए फ्लावर खिल चुके हैं, बाजू में बर्ड्स है दोस्तों। तो मेरा ग्राउंड में और भी फ्लावर प्लांट लगा हुआ है, हिबिस्कस का ही है, उसके बारे में मैं डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपके पास कोई भी फ्लावर प्लांट है जो कि हिबिस्कस का है तो उसकी जो केयर है, सभी का केयर सेम होना चाहिए और सेम ही होंगे, तभी जाके आपके पास जो रिज़ल्ट है सेम रिज़ल्ट आएगा, इतना ज़्यादा फ्लावर आएगा। देखिए काफ़ी सारा फ्लावर है इसमें, देखिए आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, देखिए काफ़ी सारा फ्लावर है। अगर काउंटिंग करते हैं तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फ्लावर खिल चुके हैं अभी दोस्तों। और साथ में देखिए मेरे पास एक छोटे वैरायटी का है, वो प्लांट भी है, देखिए मिनिएचर वैरायटी है हिबिस्कस, इसमें भी काफ़ी सारा फ्लावर है। देखिए चलिए आपको नीचे से दिखाते हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बहुत ज़्यादा फ्लावर खिले हुए हैं। देखिए 15 फ्लावर तो मैंने अभी दिखा दिया, और भी देखिए, और प्लांट जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है, और हर टिप्स में आप बर्ड्स देख पा रहे हैं कितना अच्छा बर्ड्स है। तो ये इतना शानदार प्लांट पाने के लिए आपको जो करना है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों आपको 15 दिन में एक बार पेस्टिसाइड अप्लाई करना है जो कि डाइमेथॉइड 30%, कंपनी कोई भी हो, आपके पास कंपनी कोई भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइमेथॉइड लेना है अपने को 30%, डाइमेथॉइड 30% 2 ml 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करके उसको स्प्रे कीजिएगा हर 15 दिन में एक बार, हर 15 दिन में एक बार आपको डिजॉल्व करना है, 2 ml 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करके आपको स्प्रे करना है। तो देखिए इतना शानदार फ्लावर आएगा, बहुत ही शानदार फ्लावर है, देखिए दोस्तों बहुत ही बिगेस्ट साइज, और जो हेल्थ है प्लांट का बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है आप देख पा रहे हैं, और इसमें बर्ड्स भी है, फ्लावर आते भी जा रहे हैं और डेली फ्लावर खिलते हैं। दोस्तों ये जो बर्ड्स देख रहे हैं ये कल खिल जाएगा। तो दोस्तों मैं जो चर्चा कर रहा था अभी, डाइमेथॉइड 30% आपको 2 ml 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करके स्प्रे कीजिएगा 15 दिन अंतर से एक बार, और नहीं तो इमिडाक्लोप्रिड, आपके पास अगर इमिडाक्लोप्रिड है इमिडाक्लोप्रिड आप ले सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड भी 2 ml 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करके स्प्रे कीजिएगा 15 दिन अंतर से। आपके पास अगर इमिडा सुपर है तो सुपर को आप 1 ml 1 लीटर पानी में डिजॉल्व कीजिएगा और 15 दिन अंतर से एक बार स्प्रे कीजिएगा। तो इसमें जो
इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट है, कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा दोस्तों। और इसमें ज़्यादा फंगस अटैक नहीं होता, इसलिए फंजिसाइड की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो आज ये सब की जो और क्यार है समर के बारे में, उसके बारे में बताएंगे। एक प्लांट और है, दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये फ्लावर खिले हुए हैं, बहुत ही अच्छा, एक गुच्छे में खिलते हैं। और हेल्थ देखिए बहुत ही अच्छा है, साथ में बर्ड्स है और बहुत सारा बर्ड्स है। देखिए इस प्लांट का हाइट काफ़ी लंबा है, देखिए 6.5 फीट हाइट है दोस्तों। ये देखिए इसका हेल्थ जो है बहुत ही सुंदर है, इसका लीफ है बहुत अच्छा है और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छा है। देखिए दो ब्रांच है इसमें, मेन दो ब्रांच है उसमें जो फ्लावर है, और डेली फ्लावर खिलते हैं दोस्तों। तो इसके लिए जो स्पेशल केयर करना है उसके बारे में हम बता रहे हैं दोस्तों। देखिए इतना सारा, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत फ्लावर आपके पास होगा दोस्तों। आप भी अगर चाहे तो मिनिएचर वैरायटी की प्लांट लगा सकते हैं, तो उसमें आप पॉट में भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो काफ़ी सारा फ्लावर खिलेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा दूर से दिखा रहा हूँ, काफ़ी सारा फ्लावर है। और ये जो प्लांट है, इस प्लांट को कोई भी प्लांट हो जो हिबिस्कस का हो, तो उसको आप कैसे ग्रो करेंगे दोस्तों? आप कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अभी बारिश की टाइम आ रहा है, इस टाइम कटिंग से ग्रो हो जाते हैं दोस्तों। बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बीज आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। और बीज से आप ग्रो करेंगे तो फ्लावर प्लांट तैयार होने में, उसमें फ्लावरिंग आने के लिए काफ़ी लंबे समय लग जाता है। इसलिए आप अगर कटिंग से ग्रो करेंगे तो 6 महीने के अंदर आपका प्लांट फूलों से भर जाएगा दोस्तों। और 1 साल बाद इतना बड़ा प्लांट बन जाएंगे आपके सामने, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी चर्चा कर लेते हैं, जो ग्राउंड में लगा हुआ है जो प्लांट, तो उसके बारे में क्या करेंगे। इससे पहले भी मैंने इस प्लांट के बारे में बताए थे, लेकिन दिखाए नहीं थे। इस प्लांट की जो केयर है उसके बारे में आप लोगों के साथ चर्चा किया था, लेकिन आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को स्पेशल दोस्तों। देखिए इसका जो स्टेम है, ये देखिए दोस्तों, ये स्टेम है। स्टेम से 1 फीट दूर अपने को 1 फीट दूर ऐसा गड्ढा करना है, थोड़ा सा थोड़ी सी मिट्टी हटा देना है। देखिए दोस्तों, मैंने गोल करके पूरे प्लांट का आजू बाजू की, देखिए दोस्तों दूर से दिखा देते हैं, ये देखिए प्लांट के आजू बाजू मैंने थोड़ा सा मिट्टी हटा दिया, सॉइल को अलग कर लिया है दोस्तों। अब ये जो सॉइल है इसमें अपने को जो ऐड करना है उसको बताएंगे दोस्तों। दोस्तों ये देखिए सरसों का खली, मस्टर्ड केक, और ये है काउडंग कंपोस्ट दोस्तों। ये जो काउडंग कंपोस्ट है ये मेरा बहुत ही पुराना है, 2 साल पुराना है काउडंग कंपोस्ट। तो आपके पास भी अगर काउडंग कंपोस्ट हो तो आप पुराना लेना, जितना पुराना होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो 1 किलो मैंने लिया है काउडंग कंपोस्ट, और 250 ग्राम लिए हैं सरसों का खली दोस्तों। इसके साथ और मिलाना है एनपीके 16:8:24, 50 ग्राम एनपीके अपने को मिलाना है दोस्तों। दोस्तों ये है एनपीके 16:8:24, ये 16:8:24 एनपीके है दोस्तों। तो इस एनपीके को अपने को 50 ग्राम लेना है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं लेना। 50 ग्राम लेके अपन चारी ओर बिखेर देंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मेरे पास जो एनपीके है, तो ये 10 ग्राम हो गया। देखिए एक बार जो 10 ग्राम लिए हैं उसको 4 साइड से ऐसे आराम से आपको बिखरना है दोस्तों, ऐसे करके आराम से आपको बिखेर देना है, और धीरे धीरे सभी जगह पर बिखरना है दोस्तों। ये देखिए ऐसे आपको भी जो सॉइल अलग किए थे उस जगह पर अच्छा से डाल देना है। डालने के बाद अपन दूसरा फर्टिलाइजर देंगे, देखिए ऐसे करके अपने को 4 साइड देना है। 4 साइड देने के बाद अपने को दूसरा फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है, और सभी चीज़ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छा से बिखेर दिए हैं इसको। आप देंगे
सरसों खली जो कि मस्टर्ड केक। ये सरसों खली को बिखरना है। ये सरसों खली अपन ने लिए है 250 ग्राम। आपको 250 ग्राम सरसों खली चाहिए दोस्तों। अच्छा से बिखरना है इसको। चारों साइड अपने को बिखेर देना है सरसों खली। देखिए दोस्तों, चार साइड अपने को देना है। ऐसे करके अच्छे से चारों साइड बिखेर देना है। और ऊपर से जो काउडंग कंपोस्ट है इसको भी ऐसे बिखेर देना है अपने को। देखिए ऐसे बिखेर देना है चार साइड। ये देखिए, ऐसे ही चारों साइड बिखेर देना है। ऐसे चारों साइड अपने को बिखरना है दोस्तों। और इसके बाद अपने को बटरिंग करना है दोस्तों। अपने को बटरिंग करना है अभी दोस्तों। ये देखिए, वैसे बटरिंग कर देना, अच्छा से बटरिंग कीजिएगा। ऐसे बहुत ही अच्छा से बटरिंग कर दीजिएगा। ऐसे दोस्तों बहुत ही अच्छे से बटरिंग कर दीजिएगा। और बटरिंग करने के बाद आपने को इस जो सॉइल है, सॉइल से इस फर्टिलाइजर को कवर कर देना है दोस्तों। दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा देना साथ में। और जो दोस्त मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नए नए जानकारियाँ मिलते रहेंगे। और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाए। तो अभी देखते हैं दोस्तों कैसे अपने को मिट्टी को कवर कर देना है। ये देखिए, मिट्टी मैंने कवर कर दिए है। वाटरिंग करने के बाद अपने को सॉइल से फिर से कवर कर देना है, जो फर्टिलाइजर डाला है फर्टिलाइजर को। और अपने को कुछ नहीं करना, और बीच बीच में 2-4-5 दिन में एक बार आपको वाटरिंग करते रहना है दोस्तों। तो आपके पास जो रिजल्ट होंगे, जो फ्लावर होंगे, फ्लावर के साइज़ होंगे और फ्लावर का कलर होंगे, इतने शानदार होंगे दोस्तों। और 15 दिन में एक बार अपने को पेस्टिसाइड अप्लाई करना है, मैंने जो बताया है उसी हिसाब से दोस्तों। तो आपकी फ्लावर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, इसमें बर्ड्स फॉलिंग नहीं होंगे, आपका फ्लावर की क्वान्टिटी अच्छा होगा, कलर अच्छा होगा और साइज़ भी अच्छा होगा। देखिए मेरा फ्लावर का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, देखिए। तो दोस्तों आज ही तक आप लोग देखते रहिएगा मेरा वीडियो। और आप लोगों की कोई क्वारी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देता रहूँगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।